नमस्कार, आप आरपी न्यूज देख रहे हैं और आइए दिन भर की बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बड़े पैमाने पर टीकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयास निरंतर जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर, चक्रवात प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। कोरोना काल में कांग्रेस ने सरकार को बदनाम करने के लिए तैयार करवाई टूल किट, भाजपा ने लगाया आरोप। कांग्रेस ने टूल किट से जुड़े भाजपा के दावों को लेकर केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी पर फर्जी टूल किट को प्रसारित करने का भी लगाया आरोप। 50 मामलों के साथ गुरुग्राम मना ब्लैक फंगस का हॉटस्पॉट, पिछली लहर में भी आए थे कुछ मामले। केजरीवाल की सिंगापुर से फ्लाइट बंद करने की मांग पर हरदीप पुरी बोले, उड़ान पिछले साल से बंद है। यूपी में लॉकडाउन पर योगी सरकार का नया ऐलान, शादियों में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 25 लोग। टूल किट केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिशा रवि की याचिका पर जवाब दाखिल नहीं करने के लिए केंद्र को लगाई फटकार। कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति पर श्रीराम टूल किट ने फिर खड़े किए हाथ, कहा 2-3 महीनों में सबको टीका लगाना मुश्किल। संगम की रेती पर मुर्दों का मोहल्ला, प्रयागराज में शवों से पटा पड़ा है गंगा का किनारा। नारदा मामले में गिरफ्तारियों पर उठते सवालों से तपती राजनीति। टीकों की कमी पर कोर्ट नाराज, कहा जमीनी हकीकत से बेखबर आरामगाहों में रह रहे अधिकारी। टीकाकरण अब 2 से 18 साल के बच्चों के टीकों की तैयारी, कोवैक्सीन से होगा दूसरे तीसरे चरण का ट्रायल। पहली बार देश में 24 घंटे में 2 लाख कोरोना से ठीक हुए, रिकवरी रेट 85.6%। पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने लालू परिवार को बताया ट्यूट फैमिली, कहा आपदा काल में दुपक कर बैठे हैं सभी। ऑक्सीजन बैंक बनाएगी सरकार, ऑक्सीजन के मामले आत्मनिर्भर बना झारखंड। झारखंड अपनी टीम की बदौलत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार, संक्रमण पर काबू पाने में सफल रहे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। राज्य सरकार द्वारा धान क्रय के भुगतान नहीं किए जाने पर किसानों के समर्थन में उतरी और भाजपा ने दी आंदोलन की चेतावनी। किसानों के प्रति हेमंत सरकार की अनदेखी, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण किसानों के साथ व्यवहार सौतेलापूर्ण, रघुदास। अन्नदाताओं को कमजोर न करे झारखंड सरकार, धन का मूल्य शीघ्र भुगतान करवावे राज्य शुक्ल। अल्प संसाधनों के बीच मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने झारखंड में बेहतरीन काम किया प्रभात ठाकुर। किसानों के बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करे राज्य सरकार। भारतीय जनता पार्टी के राज्य स्तरीय किसानों के समर्थन में वर्चुअल धरना नाटक, राकेश तिवारी। पीपल प्रीमियर लीग में मंगलवार को मानगो टाइगर्स और एगिगो हेपिल्स हैंड्स के मुकाबले में लगे 34 चौके। IMCR की संशोधित गाइडलाइन के बाद PPL आयोजन काउंसिल की बैठक में निर्णय, प्लाज्मा डोनेशन होल्ड पर जारी रहेगा रक्तदान। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सादर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कूड़ा उठाओ गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जमशेदपुर बार के पदाधिकारियों के द्वारा लिया गया निर्णय स्वागत योग्य। सुधीर कुमार पप्पू जमशेदपुर ब्लंक्स फंगस के 2 मरीज मिले। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर, स्वास्थ्य विभाग तैयार। सिविल सर्जन ने विप्रिय चिकित्सकों से मांगी राय। तो ये थी आज की दिन भर की सबसे बड़ी खबर। ऐसे ही देश विदेश और प्रदेश की खबरों में बने रहने के लिए आपके अपने चैनल आरपी न्यूज को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।